लगातार हो रही बारिश से कानपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। कानपुर में पिछले चार दिनों से जारी बारिश की वजह से कानपुर में शुक्रवार को गंगा ने दोपहर बाद चेतावनी निशान को पार कर लिया। शाम 6 बजे गंगा 1.5 लाख मीटर पर बह रही है। गंगा का चेतावनी स्तर से भी कई अधिक ऊपर चल रहा है। बुधवार सुबह से ही गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से सटकर बहता दिख रहा है। रात तक गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा के आसपास के इलाकों समेत बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। प्रदेश में हो रही बारिश के बाद शुक्रवार से ही गंगा चेतावनी के निशान को छूकर चल रही है। उधर गंगा का जलस्तर बढ़ता देख गंगा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। ग्रामीणों की माने तो स्थानीय प्रशासन बढ़ते जलस्तर को लेकर काफी अलर्ट मूड में है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की ओर से आसपास के गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही गंगा में बोटिंग, शिकार करना व गंगा स्नान पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। क्या नाम है आपका? बबलू नाम। आप गंगा बैराज में क्या पानी का जल स्तर कितना है पहले से, कितने पॉइंट है? पहले से तो बहुत ज्यादा है, मगर अभी 2 दिन से जो है काफी कम हुआ है पानी। तो क्या लगता है गांव डूबने के आसार हैं आगे? ये चीज के लिए तो मालूम नहीं। प्रशासन ने ये अलर्ट किया है? अलर्ट किया है, मतलब बोटिंग वगैरह ये सब न करिएगा, शिकार वगैरह जो है मतलब जो करते हैं उनको ये सबको मना किया गया है, प्रशासन ने मना किया है। अच्छा, और क्या मतलब, तो फिर आप लोग अगर नाव नहीं चलाएंगे तो कैसे परिवार कैसे? अब मजदूरी का काम हमारे लोगों का ही है, खेती किसानी का काम हमारा, अभी तो कोई बारी वारी खुली नहीं है, सब डूब चुकी है। अच्छा, कितने दिन हो गए गंगा का जल स्तर? 1 महीने से ऊपर पानी बढ़ चुका है। तो क्या बाढ़? आठिया न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।